तो हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि देखो जो फाइनेंशियल ईयर है वो खत्म होने को हो चुका है। अगर आप ओपिनियन ट्रेडिंग या फिर ड्रीम इलेवन में पैसे अर्न करते हो गेम प्ले करके, अगर आप कोई सा भी गेम प्ले करके पैसे अर्न कर रहे हो, तो आपको एक प्रॉब्लम आई होगी कि अगर आप प्रॉफिट्स में हो तो वहां पे आपको अचानक से आपके वॉलेट में पैसे थोड़े कम दिखे होंगे। तो वो रीजंस मैं बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ टैक्स रूल्स लागू किए हैं, जैसे कि अगर हम जितना भी विनिंग करें गेमिंग में तो वहां पे 30% का हमें टीडीएस देना पड़ता है, जो कि 1 अप्रैल 2023 में लागू हुआ था। एंड अगर हम यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं तो 28% जीएसटी हमें देना पड़ता है। लेकिन जितनी भी ओपिनियन ट्रेडिंग गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम इलेवन फैंटेसी प्लेटफॉर्म है, ये हमसे 28% का जीएसटी नहीं लेती। मतलब ये है कि अगर आप पैसे डिपॉजिट करोगे तो 28% जीएसटी कट के आपके वॉलेट में नहीं आएगा, जितना आपने डिपॉजिट किया है उतना ही आपको मिलेगा। लेकिन ये एप्लीकेशन आपके लिए वो 28% जीएसटी पे करती है, बस इन्होंने अपने कमीशन को इंक्रीज इसलिए किया है ताकि जो यूजर्स हैं वो इन एप्लीकेशनों को यूज करते रहें, तभी तो उन एप्स का भी प्रॉफिट बनता रहेगा। फर्स्ट रीजन ये था। सेकंड रीजन ये है कि देखो जो 30% का टीडीएस लगता है ये लागू हुआ था अपना 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है अपना 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक, एंड जो अब शुरू होने वाला है 1 अप्रैल 2024 से, तो ये रहेगा 31 मार्च 2025 तक। तो आपने समझ लिया कि फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। तो इस ईयर में मतलब इस एक साल के दौरान, इस 365 दिन के दौरान मान के चलते कि प्रोबो एप्लीकेशन में आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, लेकिन 31 मार्च 2024 तक आते आते अभी भी आप प्रोबो में लॉस में ही हो, आपने प्रॉफिट्स बनाए ही नहीं। तो आप लोगों के लिए गाइज यहाँ पे कोई भी 30% का टीडीएस नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट बनाया ही नहीं है। नेट विनिंग पे यहाँ पे आपको 30% का टीडीएस लगने वाला है जो भी आपका प्रॉफिट होगा। अब सेकंड सिनेरियो पे आते हैं कि अगर आप देखो, अगर आपने 1 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल से लेके पूरा 31 मार्च 2024 से पहले अगर यहाँ पे पैसे डिपॉजिट किए हैं, सपोज करो आपने 10,000 रुपए डिपॉजिट किए हैं एंड वहां से आपने 20,000 या 30,000 तक का प्रॉफिट बना लिया है, मतलब आप 10 से 20 हजार प्रॉफिट में, तो क्या होगा कि अगर आप उस पैसे को विड्रॉ करोगे, जैसे ही उस पैसे को विड्रॉ करोगे तो वहां पे 30% का आपको टीडीएस लग जाएगा। देखो, पैसे विड्रॉ करोगे तब आपको 30% का टीडीएस लग जाएगा, लेकिन पैसे विड्रॉ नहीं करोगे तब तक अमाउंट वो ऐसे ही रहेगा। लेकिन जैसे ही 31 मार्च 2024 खत्म होगा तो 1 अप्रैल 2024 को आपके जितने भी विनिंग हो, जैसे सपोज करो आप 20,000 रुपए प्रॉफिट्स में थे लेकिन आपने विड्रॉल नहीं किया था, तो अब क्या होगा, अब उस 20,000 रुपए में से 30% का आपको टीडीएस लगने वाला है। सो होगा। देखो, दूसरा सिनेरियो ये था कि आपने पैसे यहां से विनिंग की लेकिन पूरे साल तक कोई विड्रॉल नहीं किया, लास्ट में जाके अपने आप ही विड्रॉल हो गया एंड आपके वॉलेट में इतना पैसा सो गया। थर्ड सिनेरियो ये आते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक बीच में कभी भी पैसा डिपॉजिट किया है, ठीक है, सपोज करो आपने 10,000 रुपए यहाँ पे डिपॉजिट किया, उसके बाद आपने 15,000 की विनिंग बनाई, उसको विड्रॉ कर लिया, फिर आपने 10,000 यहाँ पे डिपॉजिट किया, फिर आपने 15,000 की विनिंग बनाई, और 31 मार्च 2024 को ये कैलकुलेट होगा कि आपने टोटल डिपॉजिट कितना किया है, आपने टोटल विड्रॉल कितना किया है, एंड जितना भी आपने विड्रॉल किया है उस पर तो 30% का टीडीएस पहले से ही लग गया है, लेकिन आपके वॉलेट में जो भी अमाउंट होगा उसमें से देखा जाएगा कि कितना आपका डिपॉजिट है। जैसे अगर आपके वॉलेट में आपको 5,000 रुपए सो रहे हैं जिसमें से जो आपका डिपॉजिट है वो 3,000 रुपए है और 2,000 रुपए आपकी विनिंग्स है, तो उस विनिंग्स में 30% का टीडीएस लग जाने वाला है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि 2024 में आप सभी ट्रेडर्स को और जो भी गेमिंग एप्लीकेशन को यूज करके पैसा अर्न करते हैं उनको मालूम होना चाहिए। आई होप गाइज ये चीजें आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी है आपकी तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो।